Yes, a very good morning to all of you. First of all, congratulations to all those who have given their best shot in the previous exam, because it was not that much easy कि आप 40 में से 39, 37, 38 marks ले पाओ MCQ paper में, और क्योंकि papers भी उस level के ही थे, board अपने board के level के, तो जिन्होंने लिए हैं, many congratulations to you people, and please keep it up, and rather you should get it should be you can say buck up to you people that we can do more better in the finals, right? And there are many students from whom expectations were more, right, Sajal? But what happened in the last time, I don't know, because previously you did that best than that of this one, right? Pata nahi aapko kya hua, aapke marks bahut kam hai. Sajal, Baljinder, 4-5 students are like this, जिनसे मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस बार हार्ड वर्क कर रहे हैं. जैसे कार्तिक का भी मुझे लग रहा था कि इस बार काफी इसने मेहनत की है, पर फिर भी उतने मार्क्स नहीं ले पाया. जयादित्य का अच्छा परफॉर्मेंस था, 2-3 बच्चे हैं, और आप लोगों की खुद की वाइटनर वाली पुलिशनेस की वजह से आपके 3-4 नंबर गए, है ना. सो प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड करो फाइनल्स में, क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट लेके आना है, और वी विल मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास विल स्कोर 40 out of 40. यू पीपल हैव दैट कैलिबर. So it is a test of your attitude also, right? So be very cool and calm when you are going to attempt the paper, right? Sometimes it happens that answers you are detecting right, but while putting it in the box, you feel it wrongly. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे, तो इसलिए please पूरी attentiveness के साथ, cool and calm mind के साथ आपने paper attempt करना है, because only one take will be there if you are putting the answer and afterwards writing it. उसके बाद whitener आप use कर ही नहीं सकते. तो बहुत ध्यान से अच्छे से प्रॉपर आपको टाइम पूरा मिलेगा. वेरी सून विल टेल यू कि क्या आपकी मतलब टाइमिंग, कितने टाइम पे आपने एंटर करना है, कितना टाइम आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए है, कितने टाइम में आपको फॉर्मेलिटीज फिल करनी है, एवरीथिंग, राइट. सो एनफ टाइम इज देयर. 90 मिनट्स जो है वो प्रॉपर पेपर के लिए होंगे, उसमें से कोई आपकी वो जो है फॉर्मेलिटी के लिए टाइम यूज नहीं किया जाएगा. सो एनफ टाइम यू आर हैविंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट दिस इज अप टू यू कि आप इन जो आपके पास डेज है इनको आप कैसे यूटिलाइज करते हो. एंड नो डाउट एज मैथ्स टीचर आई वुड लाइक टू से दैट चाहे आपका पेपर मतलब फर्स्ट पंजाबी का है, आपने 18 तक हर पेपर के पहले आपने रोज एक चैप्टर को, तो 2 दिन नहीं मिल रहे हैं आपको एक चैप्टर को, 30 तक अगर हम देखें, एक चैप्टर को आपने 2 दिन लगाने हैं, और कम से कम एक चैप्टर के 50 MCQs आपने सॉल्व करने हैं टू बी कॉन्फिडेंट, राइट. कहीं से भी सॉल्व कर लो, किसी भी सैंपल पेपर में से सॉल्व कर लो, क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ये वाला एमसीक्यू आएगा, ये वाला, नथिंग लाइक दैट. योर कॉन्सेप्ट शुड बी टू दैट एक्सटेंट कि कुछ भी आ जाए आप उसको अपने किए हुए चीज के साथ मैचअप कर पाओ, ठीक है. तो प्लीज दो चैप्टर्स आपने जो है, एक चैप्टर को 2 दिन देने हैं, आपके पास 10 दिन है हार्डली, क्योंकि पंजाबी के 1 दिन पहले तो आई विल नेवर से कि आप मैथ्स पढ़ो, और ना ही आपका कंप्यूटर का पेपर है 25th को, इसके बाद सीधा 30th को है, 20th के बाद ना. So 10 days are with you full fledged. So at least मतलब 2 days to 1 chapter and 50 MCQ आपने लिख के करने. ये नहीं कि YouTube पे खोला chapter first के MCQ देखते गए और साथ में बस खाते पीते गए होगी revision. Not like that. जब तक अपने आप को पूरी तरह से नहीं झोंकोगे इस चीज में, it will not be fruitful. So please, it's my humble request that now your passion and your concentration. Everything should be concentrated on the finals, on the November test that is going to be held. So, आप लोग ले सकते हो marks, but फर्क सिर्फ इतना ही है बाकियों में और हम में जो ले रहे हैं कि उन्होंने पूरी concentration के साथ अपना कोई determination किया हुआ है, हम शायद उतने determined नहीं है, तभी हम उतना score नहीं कर पाते. So, it's my humble request कि अपना पूरी तरह से, ये सारे बच्चे माधव, ओशन, अगर मैं इन सबको देखूं, ये सब मुझे 90% अबव वाले लगते हैं, जो कि 80s में 80 to 90s में रह गए हैं, जो कि 90 और 100 के बीच में जिनका स्कोर होना चाहिए था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 10th A में बच्चे 90 अबव ज्यादा हैं और हमारी क्लास में 90 अबव कम रह गए हैं, तो आप खुद सोचो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है. केशव आपके कितने परसेंटेज? 84, बहुत कम है, जबकि आप यहाँ से 10% का तो सीधा ही फर्क है ना, है ना. सातवीं का आपका परसेंटेज 93, और जबकि ये 99 लेने वाले बच्चे हैं सब. सो प्लीज अपना आइडेंटिफाई योर कैलिबर, जस्ट सी कि आप में वो चीज है, आप में वो स्पार्क है, आप यू कैन डू. जब तक ये माइंड में नहीं ना आता, कुछ नहीं कर पाओगे.
right? So many things have been changed regarding your OMR sheet. The first period, sir might have told you. I'm just repeating that. That is my duty. And first of all, I would like to unmute Yashish. Yashish, just tell your friends that how they can track the good marks. Give them some tips. Yashish, unmute yourself. Yes, yes, listen to him. Quiet. Anji, Yashish. I'm just exam mein thoda sa pressure nahi lena hota, kaam liye attempt karna hai. Don't take it like, matlab you are sitting in exam and 40 MCQs are in front of you. Don't take any pressure on your mind. You have to be cool and calm. राइट ठीक है और यशित आप भूल जाओ कि आपके पूरे नंबर आए हैं आप इसको एज ए ड्रीम लेके फिर दोबारा लेके दिखाओ हमें पूरे नंबर ठीक है ना चलिए सो सबसे पहली बात यही है कि कितना कितनी कूलनेस और कामनेस आप पेपर करते टाइम केशव देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट राइट आप लोगों ने हर चीज को ऐसे हंसी में मजाक में लिया हुआ है तभी तो हमारे 5-6 नंबर हमेशा कम आते हैं हम वही 32-33-34 पे ही रह जाते हैं बढ़ते नहीं आगे So, आज से अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो जिसमें अच्छा एक चीज और डोंट निगलेक्ट योर लैंग्वेजेस क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके लैंग्वेज की वजह से परसेंटेज कम हो गया कि पंजाबी है इंग्लिश है पेपर के एक दिन पहले पढ़ लेंगे वहां पे तो हम 30 मार्क का बन जाएंगे एक दिन पहले पढ़ के ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सो प्लीज लैंग्वेजेस को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो बिकॉज एवरी पेपर मार्क्स आर गोइंग टू बी काउंटेड व्हेन योर परसेंटेज इज फॉर्म्ड राइट सो डोंट टेक इट लाइक कि मैं मेरे को ये चैप्टर में छोड़ देता हूँ इधर उधर से कहीं पूछ लूंगा यू नो 12 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रूम टू टीचर्स आर आफ्टर 12 स्टूडेंट सो व्हाट यू कैन डू ना उस टाइम पे चीटिंग का कोई चांस नहीं है सो बेटर है वैसे भी हमारे डिक्शनरी में चीटिंग वर्ड है ही नहीं है ना हम ऑनेस्टली करते हैं सब कुछ तो इसलिए बेटर होगा कि अपने आप को अपने वेपन्स पूरी तरह से फुल रखो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स की इधर मेरे पीछे रोल नंबर 28 होगा उससे पूछ लेंगे उधर रोल नंबर 2 होगा उससे पूछ लेंगे नथिंग लाइक दैट सो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच अ वे कि आपको किसी की वहां पे जरूरत ही ना पड़े देखो एमसीक्यूज वाले पेपर में मैं ये आपको कभी नहीं कहूंगी कि रिवीजन के लिए टाइम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो एक बार हो गया बस एक एमसीक्यू को जब आपने सॉल्व किया उसको एक बार रिव्यू उसी टाइम उसकी चेकिंग को आपने कर लेना दैट विल बी रिवीजन कि आपने सॉल्व किया उसी टाइम उसको दोबारा एक बार उसकी चेकिंग कर लो एंड मेकिंग चॉइस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी दैट इन द प्रीवियस पेपर मतलब इजी एमसीक्यू छोड़ के कुछ बच्चों ने डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले उठाए हुए हैं वहां से भी नंबर गए आप राइट ये आपने खुद चॉइस मेक करनी है कि कोशिश करना कि जहां पे कैलकुलेशन कम है कंसेप्चुअल ज्यादा है उसको ऑप्ट करना क्योंकि उसमें आपकी कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और एक चीज और जो 16 आते हैं आपको आपने वही अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं ठीक है मान लो आपने 20 के 20 अटेम्प्ट कर दिए और पहले 16 में से आपका कुछ गलत हो गया तो आपके आगे 17 18 19 20 आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड सो मेकिंग अ चॉइस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फ्रॉम माय साइड इट विल बी प्रेफरेबली इफ यू डू द केस स्टडी क्वेश्चन फर्स्ट पहले केस स्टडी के क्वेश्चन करना मुझे तो ये लगता है कि उसमें से 8 नंबर हमारे पक्के जाने चाहिए क्यों क्योंकि एक ही केस स्टडी में सारे क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के हैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मान लो हमारे को बोर्ड में आती है ये केस स्टडी तो सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे एक ही चैप्टर के अराउंड आपका दिमाग घूमेगा तो अगर फ्रेश माइंड से एक ही चैप्टर के अराउंड अपना दिमाग घुमा लो तो 8 के 8 क्वेश्चन आपके बहुत ईजिली ठीक हो सकते हैं क्योंकि जब हम वैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो नेचुरली पहला क्वेश्चन किसी चैप्टर का है दूसरा क्वेश्चन किसी चैप्टर का है तीसरा किसी चैप्टर का है ना यू हैव टू रिकॉल द फॉर्मुलाज डिफरेंटली बट व्हेन यू आर डूइंग केस स्टडीज दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपका एक ही चैप्टर से लिंक्ड सब कुछ है आप पहले उसको पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करके अपने 8 नंबर पक्के कर लो और जिसके केस स्टडी में से 2 नंबर गए हैं ना दैट वॉज तो टोटली डिसअपॉइंटेड क्योंकि इतने मतलब क्वेश्चन 2 थोड़े डिफिकल्ट थे जिनको कि आपने अटेम्प्ट किया इजी वालों को छोड़ के फिर नंबर जाने का जो था वो स्कोप बनता ही बनता था सो ये बहुत सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है वी नीड 100% रिजल्ट एंड दिलप्रीत विल कोऑपरेट अस इन दैट सेंस राइट कि हमारा 100% रिजल्ट आए दिलप्रीत हंसने वाली बात नहीं है बेटे पूरी हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लम ठीक है ओनली दिलप्रीत नेम इज देयर इन द एक्स्ट्रा क्लास ऑफ मैथ्स एंड इफ समवन वांट्स यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम मैम एंड कैन सिट इन द क्लास ठीक है मोस्ट वेलकम बाकी सब कुछ बेटे आपके हाथ में है कि आपने रिजल्ट का लेवल यहाँ पे लेके जाना है या फिर उसको यहाँ वी कैन जस्ट गाइड यू एंड द लास्ट शॉट लास्ट अटेम्प्ट लास्ट हार्डवर्क लास्ट एफर्ट्स यूअर्स एफर्ट्स विल बी काउंटेड ओनली देन
the miracles can happen. Otherwise, so फिर देखो 40 में से 32 तो एक जो तो हमारे आ ही जाने हैं, और हमें एफर्ट 40 से 40 में से 40 का चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना. सो एज सर माइट हैव टोल्ड यू कि ओएमआर शीट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है. आपके पास पहले 4 सर्कल है, राइट, उसके बाद देयर विल बी 5th वन एंड देन देयर विल बी 6th वन. इफ ऑप्शन ए यू आर टेकिंग इट टू बी करेक्ट, देन यू हैव टू राइट हियर ए. That means, जो आपका करेक्ट हुआ है, वैसे इस चीज का फायदा भी आपको होने वाला है. जब आपने सर्कल किया और आप इसको लिख रहे हो, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि मेरा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं, ठीक है. एंड मोर ओवर इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, नॉट अटेम्प्टिंग के लिए आपका लास्ट सर्कल होगा जिसमें आप सर्कल कर दोगे कि दिस क्वेश्चन, इसका मतलब होगा कि आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया. सो सबसे पहले नॉट अटेम्प्टेड वाला अपना अपने पूरे क्वेश्चन 16 देखना कि मेरे को अच्छे से कौन से आते हैं. नॉट अटेम्प्टेड वाला हिसाब किताब खत्म कर देना, ठीक है. बेटर यही होगा कि पहले इनको सर्कल करके फाइनल जो है 5th सर्कल को बाद में फिल करना, क्योंकि जो यहाँ भी हो गया डेट विल बी फाइनल. सो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है. वाइटनर वगैरह कोई अलाउड ही नहीं है, जहाँ पे वाइटनर चला वो आपका क्रॉस ही जाएगा. सो इसलिए बहुत माइन्यूटली चीजों को आपने हैंडल करना है. एंड यू विल, आप सब अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, हार्ड वर्किंग हो, करोगे भी, आई बिलीव इन यू, राइट. सो वट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग, वट एवर रिजल्ट इज इन योर हैंड नाउ, टेक इट विद द पॉजिटिव स्पिरिट. इफ इट इज गुड देन ट्राई टू मेंटेन इट, एंड इफ यू सी दैट इट कैन बी, इट कुड बी बेटर, देन पुट योर ऑल एफर्ट्स टू मेक टू गेट दैट बेटर अचीवमेंट, राइट. सो प्लीज, अब बातें बूतें इधर उधर की, वैसे तो मेरी यही सजेशन है कि अपना फोन जो है अपने मम्मा के लॉकर में डिपॉजिट करवा दो, पेपरों के बाद ले लेना, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द पेरेंट्स वर डिस्कसिंग ऑन दैट डे, दैट द स्टूडेंट्स दे आर बिजी इन फोनिंग देयर फ्रेंड्स इवन ड्यूरिंग द मैथ्स पेपर. 4 हॉलीडेज वर देयर, सो यू हैव एंजॉयड अ लॉट, है ना. सो यू गॉट मार्क्स इन बल्क, उसी हिसाब से आपके नंबर आएंगे. मतलब अगर कनिष्का जैसा बच्चा मैथ्स में 27 ले रहा है तो फिर कितने, 30, तो फिर मैं क्या बाकियों से एक्सपेक्ट करूं. अच्छी बच्ची है ये, ले सकती है 40 में से 40. सो एक आसान सा एमसीक्यू अगर राघव आप गलत कर दोगे तो फिर मैं तो 40 किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती. नहीं, हरजोत के भी 40 है, हरजोत के भी 40 है. एक चीज मैं बता दूं, सारे यहाँ पे यशित कर रहे हैं. यशित, दिस इज, डोंट टेक इट नेगेटिवली, दिस इज माई एक्सपीरियंस. जिस बच्चे पे आंख होती है ना सबकी, इसके नंबर आएंगे. पिछले रिजल्ट में हमने देखा है, पता नहीं कौन उठ के आगे टॉपर बन के आ जाता है. सो यू हैव टू मेंटेन योर पोजीशन, ताकि सबको, किसी को ये ना लगे कि दैट वाज बाय तुक्का, बाय चांस. सो आपने अभी दिखाना है कि जो भी था वो एक पैशन का और एक अच्छे हार्डवर्क का नतीजा था. वो तभी शो प्रूव हो पाएगा अगर आप फाइनल्स में भी इसी तरह से अपना कर पाओगे. राघव सिदाना वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग. हाँ जी राघव. मैम, अगर कोई हमने अन अटेम्प्ट छोड़ दिया और एंड में वो वाला 6th ऑप्शन पे सर्कल नहीं किया, फिर क्या होगा? हाँ, वो काउंटेड होगा फिर आपका, वो काउंटेड हो जाएगा. अगर आपने नहीं, वो काउंटेड होगा अगर आपने क्या, वो अन अटेम्प्टेड नहीं, वो काउंटेड हो जाना है, क्योंकि वो सर्कल इसीलिए रखा गया है कि नॉट अटेम्प्टेड आपने. और एक चीज और, नॉट अटेम्प्टेड वाला सर्कल ना फिल करना भी एक अनफेयर मीन उन्होंने लिखा हुआ है, दैट विल बी अनफेयर मीन कि आपने उसको क्यों नहीं सर्कल किया. सो इन चीजों को प्लीज अगर है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अपनी तरफ से कुछ भी मत ऐसा कुछ सोचो, ठीक है. इंपॉर्टेंट, राइट. चलो थोड़े से क्वेश्चन पेपर के नहीं गलत होने चाहिए वो डिस्कस करते हैं पहले, फिर वी विल कंटिन्यू. देना मुझे क्वेश्चन पेपर. सुबह जिसके क्वेश्चन पेपर्स मैंने जिनसे लिए थे, देना मुझे क्वेश्चन पेपर. सेट बी देना पहले, सेट ए कोई बात नहीं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 देखना, जो मोस्टली बच्चों ने गलत किया. सेट ए का 38 क्वेश्चन, बच्चे कीप क्वाइट केशव, बातें मंग. 38 क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको घुमा दिया गया और आप लोग वहां पे घूम गए. और एक चीज मैं बता दूं,
ये मत सोचना कि पेपर ऐसा होगा जिससे जिससे जिसमें से कि एनीवन कैन स्कोर 40. कोई पेपर सेटर, कोई बोर्ड नहीं ये चाहेगा कि इतना इजी पेपर हो जाए कि क्लास में अगर अगर एक स्कूल के 150 बच्चे पेयर हुए हैं तो 150 के 40 मार्क्स आ जाए. तो पेपर नेचुरली कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा विच विल मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट. तो वही दो तीन एमसीक्यूज आपने जो है उन्हीं की उन्हीं को आपने अच्छे से मतलब कर देना है कि ताकि हम उस चक्कर से बाहर आ जाएं. कुछ ना कुछ तो ऐसा 4-5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो थोड़े बहुत घुमाए होंगे. इसमें एरिया ऑफ सेक्टर था और कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका तो ऑप्शन ही बीच में नहीं है. सीधा आंसर तो हमारा सेक्टर का ये होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. बट जो हमारे ऑप्शन थे देवर इन टर्म्स ऑफ एल, एल की टर्म में थे 1/4 एल स्क्वायर आर स्क्वायर एंड बी ऑप्शन वॉज 1/2 एल स्क्वायर आर. C option was 1/4 LR and D option was 1/2 LR. ये थे हमारा फॉर्मूला तो ये होता है सेक्टर का. बट द आंसर वॉज इन टर्म ऑफ L. अब देखो इनमें से ना तो हम पाई की वैल्यू को किसी और L की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही हम R को रिप्लेस कर सकते हैं, ना ही 360 को. अननोन इज थीटा. हम थीटा को L की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते थे और उसी थीटा से ही हम थीटा को रिप्लेस करने पे ही हमारा आंसर आ जाना था. थीटा क्या 360. अगर हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क एल है ना, अगर लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई हो आर हो तो थीटा कितना होता है 360 डिग्री. दिस इज द फुल लेंथ आर्क एंड दिस इज 2 पाई आर एंड द थीटा इज 360. अगर हम यूनिटरी मेथड से चलें, अगर 1 हो जाए लेंथ ऑफ आर्क दिस इज 360 ओवर 2 पाई आर और हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क वॉज एल. अगर एल है तो यूनिटरी मेथड से दिस इज 360 बाई 2 पाई आर इंटू एल. इसको आप सॉल्व करो. This is 180 by pi r into L. ये वाले वैल्यू आपकी थीटा की यहाँ पे रिप्लेस हो जानी थी. That means 180 by pi r into L into pi r square. थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया. नीचे 360 ऑलरेडी था वो भी लिख दिया. 360 लिख दिया, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी. ठीक है, पाई पाई गेट कैंसिल. दिस इज 2 r square r गेट कैंसिल. दिस इज 1/2 L r. D ऑप्शन वॉज द करेक्ट आंसर. सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको जो दिख रहा होगा वैसी पिक्चर बिल्कुल नहीं होगी. आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली उस आंसर को मोल्ड भी करना पड़ेगा. पिछली बार पिछले पेपर में आपकी 12.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो डाला हुआ था एरिया ऑफ द सेक्टर में. वो 720 में चेंज करके डाला हुआ था. बच्चों को वहां पे भी कंफ्यूजन हुई. कई बार आपको अपने आंसर को एमसीक्यू के आंसर के अकॉर्डिंगली मोल्ड करके देखना पड़ेगा. खुद देखो कि मेरा आंसर एल की फॉर्म में है, इसका मतलब मुझे थीटा नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा. पाई भी चलेगा, आर भी चलेगा, 360 भी चलेगा. थीटा इज टू बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ एल. थीटा को एल की फॉर्म में आपने एलिमिनेट करना था. सेट ए का 13th क्वेश्चन देखो. इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड हो जानी थी. tan theta plus cot theta is equal to 3, then find the value of tan square theta plus cot square theta. सीधा हमें दिख रहा है कि tan का भी square चाहिए, cot का भी square चाहिए. Moreover, tan cot they are reciprocal of each other. तो अगर हम squaring both sides से जाते हैं तो हमें सीधा answer मिलना था. Squaring both sides, this is tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta cot theta. This is equal to 9. ये हमारा आंसर है जो कि हमें निकालना है. ये यहाँ से सॉल्व हो गया, रेसिप्रोकल होने की वजह से कट गए. दिस इज 9, सो द वैल्यू इज 7. इसी सेट का 28 देखो. देखो जो 28 क्वेश्चन है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल था और मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ था. याद ही भूल गया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. 9 सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस and this, the perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this cuts y axis at. ये था ना. और सबसे पहले I told you कि how to find the perpendicular bisector's equation. Perpendicular bisector, अगर किसी भी line segment का आप perpendicular bisector बनाते हो, उस perpendicular bisector पे आप कोई भी point लो, that point is always equidistant from the end points of the line segment. हम मैंने प्रूव भी करके दिखाया था कॉन्ग्रेंसी से, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके, दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. पेपर में परपेंडिकुलर बाईसेक्टर की इक्वेशन भी आ सकती है.
कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी हो, आप में आप सपोज कर लो, वैसे लिखना तो हमें है ही नहीं कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी ले लिया, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, आई एम टेकिंग इट टू बी एक्स वाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट की लाइन के एंड पॉइंट के साथ क्या रिलेशन होता है, दैट दिस पॉइंट एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये कंडीशन हमारी लगनी थी, एपी इज इक्वल टू बीपी। अब इसी कंडीशन को आप यूज करो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बीपी। हाँ जी अभी करेंगे, कर देंगे जीरो भी। बीपी में आप आपके पास आएगा फोर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके पहले स्क्वेयर रूट भी निकाल लो, बाद में वाई को पुट करते हैं। वाई माइनस फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वी वांट द पॉइंट वेयर दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कट करेगा इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आपने एक्स को जीरो पुट कर देना। सो ये आपका बना वन प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर एक्स जीरो सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पॉइंट 0.13, y की वैल्यू 13 आ रही थी। सो इसका जो ऑप्शन है a विल बी करेक्ट 0.13। हाँ जी हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट हमेशा मिड पॉइंट होता है, नॉट ऑलवेज, हमेशा मिड पॉइंट होता। अब ये पॉइंट तो किसी, एक मिनट, वाई एक्सिस वो उसके अकॉर्डिंगली हो गया ना, फिगर के अकॉर्डिंगली ये मिड पॉइंट बन जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे बोला है। पर अगर हम वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो हम हमेशा मिड पॉइंट से नहीं कर सकते, देन तो वी हैव टू गो विद दिस ओनली। हाँ इक्वेशन निकलेगी, इक्वेशन निकलेगी उससे। मान लो कोई और, मतलब कोई और पॉइंट पुट करने के लिए बोल देता है तो हमें इक्वेशन ही पुट करनी पड़ेगी, इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मिड पॉइंट से हो सकता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंडीशन से, बट गो विद दिस क्योंकि ये क्वेश्चन किसी तरह से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन भी निकालनी आ सकती है, तो यू हैव टू गो विद दिस ओनली। एक यहाँ से आपके पास इक्वेशन भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकल सकती है। ठीक है बलजिंदर, क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन इधर से, ये भी बच्चों ने काफियों ने गलत किया। देखो एलसीएम, एलसीएम का क्वेश्चन था फर्स्ट, जो मैंने देखा मोस्टली बच्चों ने क्या किया, P की वैल्यू a स्क्वायर ए बी स्क्वायर थी और q की वैल्यू थी a क्यूब b। बच्चों ने p q का ही एलसीएम निकाल के आंसर, जो आंसर टिक किया हुआ है, जबकि आंसर उन्होंने बोला था किसका, 2p एंड 2q का। मोस्टली स्टूडेंट्स दे हैव फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ p एंड q, और एलसीएम बिगर पार होती है, दिस इज a क्यूब b स्क्वायर, और यही आंसर जो है बच्चों ने मोस्टली लिया हुआ। 2p और 2b का हमें एलसीएम लेना था, दिस इज 2 2 2q, दिस इज 2, सो यहां से 2 आ जाएगा a क्यूब एंड देन b स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट था। इसी का फिफ्थ, y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू माइनस सेवन। अब मैं एक चीज बता दूं, जब भी कभी आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ जाएं, निशान सॉल्यूशन के कंसर्न में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपलर में भी है और हर एक आपको सैंपल पेपर में मिलेगा, तो आपने एक एक बात याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन को गो विद ग्राफ्स, कैसे रफली ग्राफ बनाना है। y is equal to zero is the equation of x axis, ये आ गई y equal to zero, ठीक है, and y is equal to minus seven is a line which is parallel to x axis at a distance of minus seven from it, ऐसे होगी y is equal to minus seven parallel to x axis, so these are the parallel lines, so parallel lines they are having no solution, d option was correct। एक और सेट, दूसरे दूसरा सेट देना मुझे, उसमें भी एक बच्चों ने गलत किया वो वाला क्वेश्चन। हाँ इसी का फिफ्थ देखो सेट, दूसरे सेट का देखो, बुक का एक एक वर्ड मैटर करेगा, पहले बताया था मैंने, उसने बोला था कंसिस्टेंट अगर हमारे पास सोल्यूशन है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो बच्चों ने मोस्टली लिखा ऑलवेज इंटरसेक्टिंग दोनों, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन टू केसेस, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी, एंड यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग एंड इनफाइनाइटली मैनी के केस में कोइंसिडेंट, सो सी ऑप्शन वाज करेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर टेकिंग इट टू बी डी ऑप्शन।
कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत हुआ, सेट ए का। हाउ मेनी सच पैराबोलास आर पॉसिबल इफ द बैट्समैन हिट सिक्स? इसका आंसर इनफाइनाइट था, क्योंकि जब बैट्समैन सिक्स हिट करता है तो उसकी वेरिएशन इनफाइनाइट मेनी वेज में हो सकती है, बिकॉज इन स्पेस देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। हाँ पैरा बहुत क्यों हर बार पैराबोला बनेगा? सिक्स हमेशा सिक्स अगर ऐसे जाने लग पड़ा तो बाउंड्री और सिक्स में फर्क क्या रहेगा? पैराबोला कितने पैराबोला उसने बोला, हाउ मेनी वेज में? इनफाइनाइट में। सच पैराबोला। हाँ एक मिनट, तभी तो कह रही हूँ इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी बिकॉज इट विल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स एंड देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इन द स्पेस, तो इनफाइनाइट मैनी इसका आंसर था। बहुत डिस्कस किया, बहुत जगह हमने ढूंढा, फिर ही फाइनल किया था इनफाइनाइट ही आएगा। सेट बी का कौन सा? सेट बी के 42 क्वेश्चन में देखो, जो जेवलिन थ्रो है दैट इज ऑल्सो गोइंग इन द शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है? एंड पैराबोला की शेप जो बनती है तब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है या जो इक्वेशन है दैट इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन वी आर टेकिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक चीज और, डाउनवर्ड पैराबोला था इसलिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन जीरो। अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा देन ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड इफ डाउनवर्ड पैराबोला ए शुड बी लेस देन जीरो। आप लोगों को जब मैंने चैप्टर करवाया था ना, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि ए के साइन से कैसे पैराबोला की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कैसा कर्व होता है अगर क्यूबिक हो, कैसा कर्व होता है अगर स्ट्रेट लीनियर हो, कैसा कर्व होता है अगर क्वाड्रेटिक हो, और वही चीजें आपको केस स्टडी में आनी है जो हमने एक चीज याद रखना, जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करोगे ना, एक मिनट के लिए पहले अपना फेवरेट आर्टिकल समझते हुए चैप्टर की एनसीईआरटी थ्योरी को जरूर पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि दिस इज मतलब आई एम रीडिंग लाइक दिस इज माय फेवरेट आर्टिकल राइट ऑफ एनी लिटरेचर। ऐसे नहीं कि बोरिंग है ये है वो, ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको केस स्टडी में ऐसी मिलेंगी जिसके थ्रू आप यू कैन से इस तरह के क्वेश्चन केस स्टडी के क्रैक कर पाओगे, ठीक है? और एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चों ने काफी गलती की हुई है। अच्छा एक क्वेश्चन, जबकि ऐसा क्वेश्चन एक मिनट प्रीवियस पेपर में भी था, 14th क्वेश्चन, 52 कार्ड्स वर देयर, ई इज द इवेंट दैट इट इज नॉन ए कार्ड, व्हाट आर द फेवरेबल केसेस, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव गॉन फॉर बी ऑप्शन। वो कहते हैं हम एक स्टेप आगे जाएंगे, आप फेवरेबल केसेस पूछ रहे हो, हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, लिखो फिर जीरो नंबर, बी ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब देख लो, इसी से पता चलता है दैट हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन यू आर हैविंग व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जाम। सेट बी का। अच्छा एक चीज और, ये सेट बी का जो 26th क्वेश्चन था, लिसन फिर से मैं बता रही हूँ, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चैप्टर की जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें रो कॉलम्स वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हो कि तू मुझे इतने पैसे दे रहे मेरे पास इतने रह जाएंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन दैट, ठीक है? मान लो ए के पास एक्स स्टैम्प्स हैं और बी के पास वाई स्टैम्प्स हैं, ए इज सेइंग दैट इफ यू गिव मी वन ऑफ योर स्टैम्प, ए ने बी को बोला कि आप मुझे अपनी एक स्टैम्प दे दो, तो ए के पास एक ज्यादा हो गई, एंड वी शैल हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, इन दैट केस वी विल बी हैविंग y माइनस 1, बट दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है? ए के पास x थी, y ने उसको एक दे दी, तो ए के पास 1 ज्यादा हो गई, y के पास एक कम हो गई, बट स्टिल ही सेइंग दैट वी हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, फर्स्ट इक्वेशन वी फॉर्म लाइक दिस। सेकेंड इक्वेशन थी, बी सेज टू ए इफ यू गिव मी वन ऑफ योर स्टैम्प, बी कहता है अगर आप मुझे अपनी एक स्टैम्प दे दो देन आई शैल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू विल बी लेफ्ट विद, यहाँ पे गलती की बच्चों ने, ट्वाइस लेफ्ट विद एक्स माइनस 1, यहां से आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन जानी थी,
और आपके पास x की वैल्यू 5 आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, एंड द नंबर ऑफ स्टेम्स दैट ए इज हैविंग इट इज 5। ठीक है, सो ये क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं सेट होगा। डाउनस्ट्रीम में स्वीट्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं, और अपस्ट्रीम में सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्शन में पहले किसकी स्पीड लेते हैं? बोर्ड की, एंड देन स्ट्रीम की, एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखना ये चीज। हाँ जी, सेट ए का 25। सेट ए का देखो, सेट ए का 25 और सेट बी का 25 दोनों पैरेलल थे। सेट ए का 25 इज जस्ट लाइक, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना। चलो एक्स हमने ले लिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एंड ये लिया था हमने नंबर ऑफ रोज वाई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? एक्स वाई, एक रो में एक्स स्टूडेंट और वाई रोज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? एक्स वाई मल्टीप्लाई करके। पहली कंडीशन क्या थी? इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हम एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, ठीक है, देन टू रोज, देयर वुड बी टू रोज लेस, रोज दो कम हो जाएंगी, वाई माइनस टू हो जाएंगी। बट अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तब भी सेम रहेंगे। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट? दिस इज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच रो, दिस इज नंबर ऑफ द रोज, स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय वन इन ईच रो, एंड रोज बिकमिंग टू लेसर। बट व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एंड द नंबर ऑफ रोज, टोटल स्टूडेंट विल रिमेन द सेम। यहां से एक इक्वेशन बननी थी एक्स एंड वाई में, एक्स वाई कैंसिल हो जाने थे, एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जानी थी। सेकेंड आपके पास था, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ईच रो, देयर वुड बी थ्री रोज मोर। अगर हम एक स्टूडेंट लेस कर दे ईच रो में, तो रोज कितनी ज्यादा हो जाएंगी? थ्री ज्यादा हो जाएंगी। इन दैट केस ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन द सेम। तो इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई में दो इक्वेशन आ जाएंगी। आई थिंक इसका आंसर था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच इन द क्लास 25th का, एक मिनट देख लो, सेट ए है ना। हाँ, 60 स्टूडेंट्स इज द आंसर। ठीक है, इसका मतलब आपको एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इट टू बी 60। ठीक है, ठीक है कार्तिक, सो प्लीज कीप इट इन माइंड, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट मच इजी, दैट इज इट सीम्स टू बी, इनको अच्छे से। हाँ जी, 25th क्वेश्चन देखो, सेट कौन सा? थ्री रेस टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री रेस टू पावर फोर, एंड थ्री रेस टू पावर फोर इंटू एक्स माइनस वाई, थ्री रेस टू पावर वन। बेसिस सेम, पावर्स इक्वेट, एट का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे भी थ्री की पावर फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू थ्री की पावर वन, बेसिस का फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू, सॉल्व इट यू विल गेट एक्स वाई। चलिए विल कंटिन्यू टुमारो। अब मुझे बता दो कि कल किसी पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू रिवाइज करनी है और सैंपल पेपर, सैंपल पेपर ट्रायंगल्स, कोई ट्रायंगल्स कह रहा है, कोई ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है, मिक्स करवाई करेंगे सब दोनों।